हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक सपोर्ट में। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक सपोर्ट। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप मोबाइल फ़ोन से अपने यूट्यूब अकाउंट को कैसे परमानेंटली डिलीट करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा यूट्यूब अकाउंट अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इसके लिए सिंपली हम ओपन करेंगे अपना क्रोम ब्राउज़र, और क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद हम टाइप करेंगे YouTube स्टूडियो। YouTube स्टूडियो टाइप करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। आप सिंपली ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और नीचे आपको डेस्कटॉप साइड मोड का ऑप्शन दिखेगा, आप इसको इनेबल कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा और आप सिंपली यहां पर YouTube स्टूडियो पर क्लिक कर देंगे। YouTube स्टूडियो पर क्लिक करने के बाद आप अपने YouTube स्टूडियो में एंटर हो जाएंगे, जहाँ से आप अपने चैनल को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, नीचे साइड में सेटिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि जनरल, चैनल, अपडेट, डिफ़ॉल्ट, परमिशंस, कम्युनिटी और एग्रीमेंट। आपको सिंपली चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन, एडवांस सेटिंग और फीचर एलिजिबिलिटी। आपको सिंपली एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। इसमें आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको रिमूव यूट्यूब कॉन्टेंट्स का ऑप्शन दिख रहा है, आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा, जहाँ पर ये आपसे आपकी जीमेल अकाउंट का पासवर्ड मांगेगा। तो चलिए मैं अपना पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने अपना पासवर्ड एंटर कर दिया है और मैं सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये कुछ प्रोसेस चलेगी और आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन शो हो रहे होंगे, आई वॉन्ट टू हाइड माई चैनल और आई वॉन्ट टू परमानेंटली डिलीट माई कॉन्टेंट। तो आप अगर चाहें तो अपने चैनल को हाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको चैनल परमानेंटली डिलीट करना सिखाने वाला हूँ। तो आप नीचे वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दो चेक मार्क दिख रहे हैं, आप सिंपली इस पर चेक मार्क करेंगे और नीचे डिलीट माई कॉन्टेंट पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा और यहाँ पर ये आपसे आपकी ईमेल आईडी मांगेगा। तो हम यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर कर दी है और मैं सिंपली डिलीट माय कंटेंट पर क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल परमानेंटली डिलीट हो गया है। तो अब हम यहाँ से बैक जाएंगे। दोस्तों, हम आ गए हैं बैक और यहाँ पर फिर से मैं आपको YouTube स्टूडियो ओपन करके शो कराता हूँ। थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप साइड मोड को इनेबल कर लेंगे और सिंपली YouTube स्टूडियो पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा YouTube चैनल डिलीट हो गया है और यहाँ पर फिर से चैनल क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। तो इस प्रकार आप अपना YouTube चैनल डिलीट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।